13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। ये नाम जब भी हम सुनते हैं तो इस नाम के साथ चीख पुकार भी सुनाई देती है उन मासूम भारतीयों की जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर जरा भी तरस ना खाया, न बच्चे देखे न बुजुर्ग, न आदमी देखे न महिलाएं, बस बरसाए जा रहे थे गोलियां। आज उसी काले दिन को 105 साल का वक्त गुजर चुका है। वो अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना और हिंदुस्तान की सौम्यता का चरम था। मौका वैसाखी का था और जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। शांति सभा के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। शाम के 4 बजे तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वहां जनरल डायर पहुंचा। जनरल डायर वही है जिसने जलियांवाला बाग को गोलियों की तड़तड़ाहट से मौत के सन्नाटे में धकेल दिया। उस शाम जलियांवाला बाग में आवाजों के नाम पर सिर्फ गोलियों की गूंज थी और सांसों के नाम पर मासूम निहत्ते हिंदुस्तानियों की मरती हुई जिंदगी। अंग्रेजी बारूद ने बाग की धरती को खून से रंग दिया था। उस रोज जनरल डायर के हुक्म पर अंग्रेजी फौज ने चंद मिनटों में ही 1500 से ज्यादा राउंड गोलियां बरसाई थी, जिसकी गवाही आज भी बाग की दीवारों पर दर्ज है। इस हत्याकांड में कितने लोगों की जान गई, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन माना जाता है कि इस कांड में 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कई लोग अंग्रेजों की गोलियों से तो कुछ लोग कुएं में कूद गए, जिससे उनकी मौत हुई। इसके साथ कुछ लोगों ने भगदड़ में भी अपने प्राण त्याग दिए। पर आखिर ऐसा किया क्यों गया? तो बता दें कि उन दिनों पंजाब में रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, जिसमें अगर 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे दिखते हैं तो उन्हें अंग्रेजी सैनिक पकड़ लेते थे। इसी कड़ी में अमृतसर के 2 नेता चौधरी बुगाभल और महाशा रतन चंद को अंग्रेजी सरकार ने 12 अप्रैल को गिरफ्तार करवा लिया था, जिससे लोगों में गुस्सा था। ऐसे में जब 13 अप्रैल को बैसाखी के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए तो जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। लोग गोलियों से बचने की कोशिश करने लगे, सैनिक किसी को नहीं बख्श रहे थे। बाग में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी। एक अनुमान के अनुसार इस दौरान वहां 1500 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। इस गोलीबारी से बचने के लिए लोगों ने वहां मौजूद एक कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी। कुआं इतना गहरा था कि कोई बच ना सका। देखते ही देखते कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया। ये मंजर इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। और आज भी जब हम इस कहानी को आपके सामने रख रहे हैं तो जैसे आंखों में एक नमी सी है और उन लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो बेगुनाह थे और मासूम भी। इंडिया टीवी की तरफ से भी उन सभी लोगों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।